हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 7 अक्टूबर से रिलेटेड कुछ मोस्ट एंड फेवरेट आइकॉनिक फिगर को। वीडियो के इनमें मैं आपसे दो क्वेश्चंस भी पूछूंगी, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विगत दिनों में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए 12 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 26 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 26 मार्च, ऑप्शन नंबर डी 30 सितंबर। ठीक है, इसमें से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 30 सितंबर। ठीक है, और हाँ, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2020 में मनाया गया है, तो इसका थीम क्या था ये हम जान लेते हैं। इसका थीम था फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। ठीक है, इसका थीम था फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विगत दिनों में भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के किस मेगा स्टार को चुना है? ऑप्शन नंबर ए अक्षय कुमार, ऑप्शन नंबर बी अजय देवगन, ऑप्शन नंबर सी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन नंबर डी सुनील सेट्ठी। ठीक है, इसमें से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विगत दिनों में विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य हाल ही में किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए है हेमा मालिनी, ऑप्शन नंबर बी जयाप्रदा, ऑप्शन नंबर सी स्मृति ईरानी, ऑप्शन नंबर डी हरसिमरत कौर बादल। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। हाल के दिनों में कृषि कानून के विरोध की वजह से केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाली अकाली दल हरसिमरत कौर बादल को विदेश मामलों में संसदीय समिति का सदस्य बनाया गया है। ठीक है, यह भी प्रेजेंट टाइम में संसदीय समिति के सदस्य हैं हरसिमरत कौर बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विगत दिनों में नया ब्रांड अभियान संपर्क सहित कनेक्शन किसने शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए है आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन नंबर बी एसबीआई बैंक, ऑप्शन नंबर सी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। ठीक है, हमारा राइट आंसर है एसबीआई बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। SBI के CEO अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है? अश्विनी कुमार तिवारी। SBI का स्थापना कब हुआ था? अक्टूबर 1998 में। और SBI का मुख्यालय कहाँ है? अभी गुड़गांव हरियाणा में। ठीक है, तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन से रिलेटेड। विगत दिनों में खादी और ग्रामो उद्योग में अपना परामर्शक किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए है विनय कुमार शेखर, ऑप्शन नंबर बी ऋतु बड़ी, ऑप्शन नंबर सी सुनील सेट्टी, ऑप्शन नंबर डी ननक दिस। ठीक है, इसमें से हमारा राइट आंसर सुनील सेट्टी। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। सुनील सेट्टी भारतीय फैशन डिजाइन के काउंसलिंग के अध्यक्ष है। सुनील सेट्टी जो है वो भारतीय फैशन डिजाइन के काउंसलिंग के अध्यक्ष हैं, और फिलहाल में खादी और ग्रामो उद्योग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है विनय कुमार शेखर। ठीक है, सुनील सेट्टी इसके परामर्शक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विगत दिनों में विश्व रैबीज दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 28 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी 26 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी 25 सितंबर, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। ठीक है, इसमें से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 28 सितंबर। आज के दो प्रश्न, यानी कि आपको इसका कोई क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विगत दिनों में मदर टेरेसा की जयंती कब मनाया जाता है? ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए 25 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी 26 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी 27 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी 28 अगस्त। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विगत दिनों में पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया है, वह भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? 10th, 12th, 13th या 14th? ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करें, जिससे उनका भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।